नमस्कार साथियों, आज विशेष तौर पे दीपावली के अवसर पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी हमारे साथी जो भी फेसबुक पे जुड़े हैं, विशेष तौर पे आप सभी को धन्यवाद। और आज पार्टी के स्थापना दिवस है, द्वितीय स्थापना दिवस है, जिसके आज मजबूती से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में पार्टी के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक दिया जलाने का निर्णय लिया है। मैं आप सभी से अपील करूंगा, पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी अपने अपने घरों में, अपने गांव में एक दिया वीआईपी पार्टी के नाम जलाएं और मजबूती से हम लोग आगे बढ़ें। आप सभी को पता है कि बिहार में खास करके निषाद समाज के सभी युवा साथी और बिहार के अन्य सभी साथी जैसे समाज के साथ सहयोग से आज हम 3 साल में बिहार में मजबूती से एक अच्छा मुकाम हमने हासिल किया है। और मजबूती से बिहार के हर 12 करोड़ जनता के लिए, हर जाति धर्म के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और पार्टी को पहले से आपको जानकारी है कि किस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में भी पार्टी लॉन्च हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में भी हमारे निषाद भाई और पार्टी के जितने भी साथी है, सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रैली किया, उसमें कह सकते हैं कि एक बड़ा जन सैलाब उमड़ता है हर जिला में, अलग अलग जगह पे। और भी कई कार्यक्रम अभी निर्धारित है जो आने वाले समय तक 15 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा और जिसको हम लोग काम करेंगे। और पार्टी मजबूती से हमें हमारा मानना है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में पार्टी एक अच्छे स्थिति में पहुँचेंगे। जिस तरीके से बिहार में हमने लड़ाई लड़कर एक अच्छा मुकाम को हासिल किया है, उसी तरीके से 2022 में भी उत्तर प्रदेश में मुकाम को हासिल करेंगे। ये सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारा काम हम लोग कर रहे हैं जो बिहार के 12 करोड़ जनता का हित में है। पार्टी के सपोर्टर है जो खास करके निषाद समुदाय है, उनके लिए बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। पूरे बिहार में मछली बाज़ार बना रहे हैं, खुदरा बाज़ार पंचायत स्तर पर बना रहे हैं, मछली बड़ा भवन बना रहे हैं, और भी अनेक के काम करें। मछुआरा भाई के लिए इंश्योरेंस का व्यवस्था हमने किया है, लाखों इंश्योरेंस मछुआरा भाई को हम करा रहे हैं। और इसी तरीके से पशु पालने के लिए खास करके SC ST अति पिछड़ा के लिए 90% तक अनुदान देकर हम लोग स्कीम चला रहे हैं। तो बहुत सारा काम कर रहे हैं जिसमें खास करके बिहार के सभी नागरिक को उसका लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में एक युवा के लिए बेहतर एक स्कीम हम ला रहे हैं, स्मॉल डेयरी प्रोजेक्ट, जो अगले साल से इसको लॉन्च करेंगे। इस साल में हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष से 22-23 के वित्तीय वर्ष में हम बहुत बड़े पैमाने पे इस पे काम कर रहे हैं, जिसमें खास करके युवा को अगर स्मॉल डेयरी, छोटा डेयरी अगर ओपन करना, उसमें सरकार के तरफ से बहुत बड़े पैमाने पे सब्सिडी और उनको सहयोग मिलेगा, ताकि वो 10, 20, 25, 50 पशु को पाले और अपने घर को और अपने परिवार को चलाए और अपने राज्य के लोगों को रोजगार दे सके। इस तरीके से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं जिस पे काम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और पार्टी के सभी साथी के सहयोग से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और आप सभी को पता है कि मुंबई से मैं बिहार सिर्फ मंत्री बनने के लिए नहीं आया था, अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए आया था, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया था। वो लड़ाई आगे भी निरंतर हम लोग लड़ते रहेंगे। एक परिस्थिति बना है कि जो इसमें पार्टी बना और पार्टी बनने के बाद आज सरकार का हम लोग हिस्सा हैं। और मुझे लगता है कि पावर और सिस्टम में रहकर ही आप हर काम को कर सकते हैं, जो हमें संविधान में जो हमें अधिकार मिला है। मुझे पूरा भरोसा है कि समय आएगा जिसमें हमारे पास अपूर्ण ताकत होगा, जिसमें वो संविधान में जो हमें आरक्षण मिला है वो हम लेके रहेंगे। तो इसके लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसपे हम लोग ध्यान रखते हैं। अभी पूरे बिहार में पंचायत में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें पार्टी के जो लोग सहयोगी हैं, साथी हैं, सब पे हम लोग नज़र रखे हैं। एक टीम बना के सैकड़ों लोगों को अभी तक हम लोगों ने मदद पहुंचा दिया है। और आने वाले समय में भी 6 चरण का चुनाव समाप्त हुआ है और आने भी समय में और भी 5-6 चरण बाकी है, जिसपे लोगों को मदद हम लोग पंचायत स्तर से पहुँचाते रहेंगे। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद पहुंचाया जा रहा है, हर तरह से उनको संरक्षण दिया जा रहा है। कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए भी पार्टी के लोग लगातार संपर्क में हैं। तो
तो जितना हो सकता उतना हम लोग काम कर रहे हैं। और आप सभी पार्टी के साथी से भी कहूँगा कि बिहार में पंचायत चुनाव पे नज़र रखें और एक एक वोट अपने लोगों को मजबूती से दिला के जिताएं और आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। और बिहार में भी 12 दिसंबर के बाद बिहार के पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद आप सभी को उत्तर प्रदेश में भी समय देने की आवश्यकता है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के पार्टी के सभी साथी मजबूती से लगे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और इस सारे मुद्दे को लेकर आप सभी के बीच में आए हैं। आज शुभ दिन है, दीपावली का अवसर पे आप सभी के बीच में हम लोग बात रखे हैं। तीसरा स्थापना दिवस के अवसर पे आप सभी के बीच में हमने अपनी बात को रखा है। और इसी आज बिहार में पिछले 5-6 साल में, यूं ही कह दें कि 3 साल में 4 साल में अगर सबसे बेहतर पार्टी कोई प्रोग्रेस किया होगा तो वीआईपी पार्टी है कि 0 से 4 पे आए हैं। और हमारा लक्ष्य होगा कि आने वाले 4 से 40 करना और आगे तक बढ़ते रहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसको लेके हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कहीं पे कोई 1% भी हमें निराशा नहीं है कि हमारी पार्टी मजबूती से काम नहीं कर रहे। पूरे बिहार में मजबूती से संगठन पे लोग काम कर रहे हैं और पंचायत चुनाव के बाद भी और भी अलग तरीके से हम लोग काम चालू कर लेंगे। और सरकार के अंदर में रहकर जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्कीम हम लोगों ने लाया है जिसमें खास करके बिहार के 12 करोड़ जनता को लाभ होगा। नई तालाब निर्माण करने का स्कीम है, उसके अलावा चार पशु अभी पालने का, 2 पशु पालने का स्कीम है। कोसी में हमारे स्पेशल कोसी बेसिन प्रोजेक्ट है जिसके कोसी में मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए ये सारे स्कीम हम लोग चला रहे हैं। तो ये बहुत सारे स्कीम पे हम लोग काम कर रहे हैं और भी बहुत सारा स्कीम आने वाले समय में लॉन्च होगा। और फिलहाल तो यही सारे चीज़ें हैं कि आप लोग अगल बगल में अपने दोस्त यार के साथ आज हो दीपावली मनाएं और पार्टी के नाम पे एक दिया जलाएं, ये कार्यक्रम आप लोग करें। और विशेष तौर पे एक आज हम फेसबुक पे गूगल फॉर्म अपलोड करने के लिए मैं जा रहा हूँ जिसमें हमारे सरकार का भी लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा को रोज़गार देना है और मेरा भी लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने युवा को कैसे रोज़गार दें। तो इसके लिए सरकारी सिस्टम पे, सरकारी के स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी हर संभव हम लोगों को मदद करने के लिए प्लान कर रहे हैं। एक दूसरा कि हम अपने निजी अपने स्तर से हम लोग आज गूगल फॉर्म अपलोड कर रहे हैं जिस पे आप सभी को, युवा को जो बेरोजगार हैं, जो कहीं काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे साथी इस पे आके अपना आवेदन करें, डिटेल भरे और हर संभव हम कोशिश करेंगे कि आपको रोज़गार मिले। हमारे जानने पहचानने वाले मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अन्य प्रदेश में जहाँ पे भी जो भी कंपनी चला रहे हैं आपके बायोडाटा वहाँ पे हम भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अदर प्रदेश में भी रोज़गार मिले और बिहार में भी आपको कहाँ पे हम रोज़गार दे सकते हैं, कहाँ पे आपको एडजस्ट कर सकते हैं, उस पर पार्टी काम करेगा। 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है, निशुल्क होगा ये सारे सर्विस जो है वो निशुल्क होगा। इसके लिए जो भी खर्च होंगे ये हमारे वीआईपी पार्टी के सहयोग से ये स्कीम पे काम किया जाएगा। इसमें कुछ लोग होंगे जो पटना में बैठ के आप लोगों के बीच में संवाद करते रहेंगे, संपर्क में रहेंगे और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का हर संभव हम प्रयास करेंगे। और इसके लिए आप सभी साथी से अपील है, युवा से, हर जाति धर्म के युवा से अपील है कि आप हर कोई आप आके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हम हर संभव आप सभी को मदद करने का प्रयास करेंगे। तो यही बात को लेके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली का विशेष तौर पे आपको और आपके परिवार को विशेष तौर पे शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।